क्योंकि अभी एआई का सीजन चल रहा है, भैंसें हीट में बहुत ज्यादा आ रही है, गायें भी अब आने वाली हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक बात समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या हमने हीट में आने के बाद 6 घंटे बाद एआई करवाई या क्रॉस करवाया, तो उसके गैबिन ठहरने की कितनी संभावनाएं हैं 6 घंटे बाद, यानी जो ही हीट में आई और 6 घंटे बाद ही आपने क्रॉस करवा दिया। तो देखिए, एक कंडीशन ऐसी बनती है कि जिसे हम कहते हैं अर्ली ओव्यूलेशन। अर्ली ओव्यूलेशन, ये अर्ली ओव्यूलेशन क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ओव्यूलेशन का जो निश्चित टाइम होता है, ओव्यूलेशन का जो निश्चित टाइम होता है, उस टाइम से अगर पहले ओव्यूलेशन हो जाए उसे हम अर्ली ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो मेनली जो अभी चल रहा है 18 से 28 घंटे के बीच में होता है। तो 24 घंटे को हम आइडियल बीच में मान सकते हैं कि एआई के 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मतलब अंडा निकलेगा, समझ गए? अंडा जो है वो यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ओवेरी है, और ओवेरी से अंडा निकल करके यहाँ इस फेलोपियन ट्यूब में आएगा। ठीक है, यहाँ से अंडा निकला और यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आएगा, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और इसे नॉर्मली माना जाता है कि हीट में आने के बाद 18 घंटे से लेकर के और 28 घंटे के बीच में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है। ये भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो इसको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये मानेंगे। अब अर्ली ओव्यूलेशन किसे कहेंगे? अर्ली का मतलब है जो ही हीट में आई और 8-10 घंटे में ही ओव्यूलेशन हो गया, यानी 8-10 घंटे में ही ओव्यूलेशन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में अर्ली ओव्यूलेशन उसे कहा जाता है। और अगर आपने इसी समय, यानी हीट में आने के बाद, आपने 6 घंटे में ही एआई करवा दी, तो 6 घंटे में आपने एआई करवा दी और आपने जो सीमन अंदर डाला है, जिसके अंदर स्पर्म है, और वो जो स्पर्म है वो स्पर्म कितने समय तक जीवित रहेंगे, ये इस बात पर पूरा डिपेंड करेगा कि जो स्पर्म है वो कितने समय तक जीवित रहेंगे। अगर उन्हें अच्छा माहौल फेलोपियन ट्यूब में मिला या यूट्रस में उन्हें अच्छा माहौल मिला, तो वो 12 से 18 घंटे तक, ज़्यादा अगर कहें तो वो 24 घंटे तक भी खींच जाते हैं, 24 घंटे तक वो जीवित रहेंगे अंदर। कितने घंटे भाई? 12 से 24 घंटे। अब मान लीजिए अर्ली ओव्यूलेशन हुआ, तो अर्ली अगर ओव्यूलेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में आपने हीट में आने के 6 घंटे बाद जो सीमन करवाया है, जो स्पर्म अंदर इंजेक्ट करवाया है, उस स्पर्म से गैबिन ठहर सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन चला गया 24 घंटे पे, और आपका स्पर्म मान लीजिए अंदर 24 घंटे की जगह 12 घंटे ही जीवित रहा, तो नहीं ठहरेगी। क्योंकि एक बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म का, जो आपने छोड़ा यहाँ और यहाँ पर छोड़ा हुआ स्पर्म जो है, वो गति करते 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 पहुँचेगा यहाँ, और जब वो यहाँ पहुँचेगा इस जगह, तो उस समय उसे ओव्यूम मिलना चाहिए, यानी जो अंदर से अंडा निकल करके आया है वो उसे मिलना चाहिए, तभी तो दोनों मिल करके जायगोट बनाएंगे। तो इस प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ दोनों मिले, फेलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पर ये मिलते हैं। अब जब मिलेंगे ही नहीं, तो भाई कैसे बच्चा पैदा होगा, कैसे वो गैबिन ठहरेगी? इसीलिए अगर आपने जल्दी की है तो सिर्फ अर्ली ओव्यूलेशन की जो स्टेज है उसी में गैबिन ठहर सकती है। अगर नॉर्मली 24 घंटे से 28 घंटे के बीच अगर मान लीजिए कि ओव्यूलेशन हुआ है, तो आपका सीमन तो 28 घंटे तक रहेगा ही नहीं, तो फिर कैसे कंसीव करेंगे? ये सारी चीज़ें जो मैंने जीवन काल बताया ना, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि यहाँ माहौल कैसा है, पीएच कितनी है, क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक, ये सॉरी, जो मूवमेंट चल रहे हैं वो, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो सही है क्या, क्या यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो सही है क्या, ये सारे फैक्टर जो है वो निर्धारित करते हैं कि आपका छोड़ा गया जो सीमन है, जिसके अंदर स्पर्म है, वो कितने समय तक अंदर जीवित रहेंगे।
और आजकल जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसके हिसाब से 12 से 24 घंटे रहते हैं आप। अगर 12 घंटे ही रहा और इधर से ये 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन हुआ तो बिल्कुल भी संयोग यानी बिल्कुल भी गैबिन ठहरने की संभावना नहीं है। इसके अलावा अगर ओव्यूलेशन लेट हुआ है जिसे हम डिले ओव्यूलेशन कहते हैं, तब तो आप बिल्कुल संभावना ही छोड़ दीजिए गैबिन होने की कि डिले ओव्यूलेशन हुआ है तो फिर गैबिन होगी नहीं। तो इसीलिए आप आइडियल एक टाइम चुनिए और 18 घंटे से मैनली कम से कम आप 12 घंटे तो वेट कीजिए। तो 12 घंटे से 24 घंटे के बीच अगर आप AI करवाते हैं तो उसमें कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।